तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने तीन क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के, आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का तो चौथा क्वेश्चन, जिसका नाम है गाउस के अनुप्रयोग। गाउस के टोटल तीन अनुप्रयोग है, जिसमें से आज हम करेंगे गाउस के अनुप्रयोग नंबर एक। तो पहला अनुप्रयोग है गाउस के नियम की सहायता से अपरिमित समरूप आवेशित तार के कारण इसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा का परिकलन करना। ये हमारे पास एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा गाउस के नियम की सहायता से, यानी ये हमें गाउस के नियम की हेल्प लेके ये क्वेश्चन करना है। अपरिमित अनंत समरूप आवेशित तार है, एक समरूप आवेशित तार है अनंत लंबाई का है। इसको अनंत लंबाई का दर्शाने के लिए मैंने इसके दोनों ओर डैश डैश किया है ताकि यह अनंत लंबाई का तार लगे। इस तार का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया क्योंकि पूरे तार से, अनंत तार से हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस तार का एक छोटा सा भाग लिया है ए और बी, इसका ये छोटा सा पार्ट लिया है जिसका मिडिल पॉइंट मैंने नाम दिया है ओ। ओ से यानी इस पूरे अनंत आवेशित तार से एक निकट बिंदु स्थित है पी। पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसका। और जो पॉइंट ए और बी है, यहां से पी बिंदु पर जो मिल रहा है लाइनें, यहां से इस पी बिंदु से जो मिल रही है ये, इसे मैंने A2 और A1 नाम दिया है। ये दो भागों में बटा हुआ तार का पॉइंट है जिसे A1 और A2 नाम दिया है। पी बिंदु से दो भागों में ये तार जुड़ रहा है जिसे A1 व A2 नाम दिया है। O से P के बीच का डिस्टेंस है R R। और अब हम इसका घटकों में वियोजन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें दिशा का भी मान ज्ञात करना है। घटकों में वियोजन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जहां पर भी हमें थीटा बनता हुआ दिखाई देता है वहां पर हमेशा कॉस थीटा ही आता है, और जहां पर थीटा नहीं बनता वहां पर हमेशा साइन थीटा आता है घटकों के रूप में। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे ऊर्ध्वाधर घटक और ये हो गए हमारे क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा और डी साइन थीटा। तो आप चित्र देख सकते हैं, आप ये चित्र नोट कर लीजिए, इसके आगे की डेफिनेशन में आपको करवा दूं। समरूप आवेशित तार लिखा हुआ है इस कारण मैंने इसको प्लस चार्ज दिया है। ये प्लस का मतलब है ये तार आवेशित है, तो आप ये समझ लीजिएगा और ये चित्र नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि हम अपना चित्र बना चुके थे, चित्र की ही हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। डेफिनेशन यानी कि चित्र को देख के जो भी भाषा बनती है, जो हम अपनी पहली तीन डेरिवेशनों में लिख चुके हैं वही हम इसी डेरिवेशन में भी लिखेंगे। तो चित्र में आपने ये भी देखा था, माना ए बी एक अनंत आवेशित तार का एक भाग है जो हमने ए बी लिया था। हमें आवेशित तार के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करनी है। ओ को निर्देश बिंदु मानकर, हमने वहां पर ओ को निर्देश बिंदु मानकर तार के दोनों ओर सममित दूरी पर, समान दूरी पर A1 तथा दो अल्पांश क्षेत्रफल A1 तथा A2 लिए थे, उनको हम बोलेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। और इसके बाद हम निकालते हैं दिशा। दिशा ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक मैंने आपको वहां पर, आप देखिए अपने चित्र में, आपने बनाया होगा अपनी कॉपी में, तो ऊर्ध्वाधर घटक डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, और क्षैतिज घटक है डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा। तो इसके नीचे आप एक निष्कर्ष लिखना, यहां पर निष्कर्ष लिखना, निष्कर्ष निष्कर्ष में आप दो पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर एक और पॉइंट नंबर दो। पहले पॉइंट में तो आप लिखना कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और वापस सुन लीजिए कि ऊर्ध्वाधर घटक है, पहले पॉइंट में लिखना है ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और पॉइंट नंबर दो में आप लिखना कि क्षितिज घटक जो है वो परिमाण में समान है तथा दिशा में भी समान है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। पॉइंट नंबर टू, क्षितिज घटक परिमाण तथा दिशा दोनों में समान है अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। तो आप ये उतार लीजिए और इसके नीचे निष्कर्ष भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की डेरिवेशन बताता हूँ।
हाँ, तो हम अपने क्वेश्चन में दिशा ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है परिमाण। परिमाण के लिए हम जो हमारा आवेशित तार है, आवेशित तार के रेखीय तार, आवेशित तार के चारों ओर एक बेलन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम भाषा लिखेंगे, रेखीय तार को अक्ष मानकर, इस तार को अक्ष मानकर आर त्रिज्या तथा एल लंबाई, इसकी त्रिज्या आर, वही जो हमारे पी बिंदु से डिस्टेंस था वो त्रिज्या, वो इस बेलन की त्रिज्या हुई आर, और इस बेलन की लेंथ है वो है स्मॉल एल। आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। यह एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है बेलनाकार। तो ये हमारा ए बिंदु, बी बिंदु और ओ बिंदु, वही सेम टू सेम उस चित्र के जैसे इस चित्र में भी हमने किया है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत है, क्षेत्रीय सदिश की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के क्षितिज में है। यहाँ पर भी सेम टू सेम इस पृष्ठ के क्षितिज में है विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा है लंबवत। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा एक ही ओर है, मतलब समांतर है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य, वो बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पर भी जो बन रहा है कोण, वो बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होता, डीए सदिश, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होती, तो इनके बीच बनता 180 डिग्री का कोण। मगर यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो आप ये नोट कर लीजिए पॉइंट। और हाँ, इस गाउसीय पृष्ठ के तीन भाग है, S1, S2 तथा S3। S1 भाग हो गया हमारा ये वाला भाग, ये वाला भाग, यानी ये जो ऊपर का, ये आपको गोल गोल दिख रहा होगा बेलन के ऊपर वाला भाग, ये वाला गोल गोल, ये हमारा S1 भाग हो गया। इसके बीच में ही आप लिख देना, चित्र बनाओ तब, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी S2 भाग, ये हमारा S2 भाग है, ये भी आप इसके बी के पास ही लिख देना, और ये हो गया हमारा S3 भाग, ये वाला पूरा वक्र पृष्ठ जो है बेलन का, वो S3 भाग हो गया। आप ये नोट कर लीजिए, ये S3 भाग है, वो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, और S1 भाग और S2 भाग ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार यानी गोल है, और ये S3 भाग है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो आप ये चित्र उतार लीजिए और ये नीचे की भाषा भी लिख लीजिएगा। हाँ, तो इसके आगे हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो भाषा का पोर्शन था लिखने का, जो भी हम चित्र को देखकर या फिर जो भी हमें चित्र बनाने थे, वो चित्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी हमें चित्र को देखकर भाषा लिखनी थी, वो भाषा भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी डेरिवेशन पर आते हैं। तो डेरिवेशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो फर्स्ट चैप्टर में ये चीज आपके जरूर आई होगी कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठ की एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ नहीं, कोई रेखा है, उस पर उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश दिया जाता है, एकांक लंबाई पर आवेश दिया जाता है, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा एल। ये हो गई हमारी समीकरण एक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आएगा, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम आप सब जानते होंगे, गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फाई ई, गाउस का नियम जो होता है वो होता है फाई ई इक्वस टू बंद पृष्ठ का समाकलन एस ई सदिश डॉट डीए सदिश, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम अपनी लास्ट डेरिवेशन में प्रूव कर चुके हैं गाउस का नियम कि कैसे होता है। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
हाँ, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारा पूरा बंद पृष्ठ का समाकलन है, जो कि हमारे बेलन का समाकलन है, जो हमने तार को अक्ष मानकर कल्पना की उस बेलन की। तो हम इस एस को खोलेंगे तो ये तीन पार्ट में खुलेगा। मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ कि उस बेलन के तीन पार्ट है, S1, S2 और S3। तो इस समाकलन को भी जब हम खोलेंगे तो ऐसे आएगा ये। हाँ, तो मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, मैं इंक भर के आ चुका हूँ, तो मैंने ये वापस लिख दिया है। तो हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहे थे, तो यहाँ पर आएगा ग्राउंड। पूरे पृष्ठ का समाकलन निकाल रहे हैं हम, तो ये ई सदिश डॉट डी ए सदिश, ये हम संपूर्ण बेलन का निकाल रहे हैं और इसको हमने यहाँ पर लिखा है एस। और इस एस को हम तीन टुकड़ों में बांटा है हमने चित्र के अंदर, S1, S2 और S3, जो कि एक तो है S3 है बेलन का वक्र पृष्ठ, और S1 वो S2 है वृत्तीय भाग, जो हम वृत्त कहते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो हम इसको तीन टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, φs = यहां से अब इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालने के लिए केवल इसकी और इसकी जरूरत है। तो S1 भाग ई डी ए कॉस थीटा, जो ई, ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये इसका S1 भाग आ गया। तो प्लस इसी प्रकार ई डी ए कॉस थीटा, ये इसका आ गया S2 भाग, और डॉट प्रोडक्ट हटके कॉस थीटा आ गया। और S3 भाग ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और ये इसका आ गया S3 भाग इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होगी। अब हम S1 चित्र में हमें पता है, S1 में मैंने आपको बताया था, और S2 में भी बताया था, और S3 में भी बताया था। हाँ, S1 जो था उसमें क्षेत्रफल सदिश dA सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा E के बीच में जो कोण बन रहा था, वो कोण बन रहा था 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। S2 में भी सेम 90 डिग्री का ही बन रहा था, पर हमारे उस चित्र में जो S3 था, S3 के बीच में जो कोण बन रहा था, थीटा जो आ रहा था, वो 0 डिग्री आ रहा था। ये आप उस चित्र में देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी है। और तो यहां से हम वैल्यू भर देंगे, S1 = EDA cos 90 डिग्री प्लस S2 EDA cos 90 डिग्री, S2 में भी हमारी 90 डिग्री वैल्यू है, प्लस S3 जो है हमारा कोण, समाकलन का भाग है तीसरा प्रश्न, EDA cos 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप सबको पता होगी cos 90 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो cos 90 से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 अगर किसी से मल्टीप्लाई करता है तो ऑब्वियसली 0 ही आता है, और 0 का समाकलन भी 0 ही होता है। 0 + 0 + इसकी वैल्यू होती है 1 cos 0 की। तो 1 अगर EDA से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, EDA = Q/ε0। यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम 0 हमने इन दोनों में ऐड किया तो यही वैल्यू आएगी 0 ऐड करने पर भी। और ई जो है, अब हम इसका समाकलन करेंगे इंट्रीगेशन, तो ई जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ई इससे बाहर आ जाएगा, इंट्रीगेशन से बाहर आ जाएगा। ये हमारा S3 टर्म है, यहाँ पर S3 लिखना है, S3 S3, तो डी आ गया, ये डी आ गया। हाँ, तो कॉल आ गया था, तो ये डी आ गया, और ये आ गया हमारे पास Q/ε0 आ गया। अब हमें डीए का समाकलन करना है, तो जो डीए का समाकलन होता है डी ए,
ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर और एल। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यह बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो इसका समाकलन होगा 2 पाई आर एल। तो ई इंटू 2 पाई आर और एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हम समीकरण एक देखते हैं, हम समीकरण एक से हमने जो वैल्यू लिखी थी इसको मैं समीकरण दो नाम दे देता हूँ। समीकरण एक की जो वैल्यू थी वो मैं आपको याद दिला दूँ, लेमड़ा एल थी, ये हमारी समीकरण एक थी, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, देख लीजिएगा आपने लिखा होगा। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से अब हम क्या करेंगे, क्यू की जगह वैल्यू लिख देंगे लैम्डा एल। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वस टू क्यू की जगह हम लिख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर भी एल है और यहां पर भी एल है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ई इंटू 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वस टू, अब इन सबको मैं इससे गुणा मल्टीप्लाई में नीचे भेज रहा हूं, इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहां तक आप नोट कर चुके होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो समीकरण है, समीकरण के ऊपर और नीचे दोनों में दो का गुणा करवाएंगे। मैथ हमेशा कहता है ये, अगर आप दो को मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो तो दो को मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बराबर रहे। तो यहां पर मैं ऊपर भी दो का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 बाय 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई इक्वस टू, यहां पर 2 लैम्बडा आ जाएगा अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद यहां से नोट करना। तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो 1 अपॉन हमारा होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है के, ये हम अपनी पिछली डेरिवेशन में भी देख चुके हैं। तो यहां पर भी हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख सकते हैं के, तो हमारी जो वैल्यू आएगी लास्ट वो होगी ई इक्वस टू 2 लैम्डा अपॉन आर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के लिख सकता हूं, तो ये के ऊपर आ जाएगा, ये के आ गया। तो हमारी टोटल वैल्यू हो गई ई इक्वस टू 2 लैम्डा के अपॉन आर, ये हमारा गाउस का पहला अनुप्रयोग पूरा हो चुका है। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो मान, विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा उसकी वैल्यू होगी 2 लैम्डा के अपॉन आर, ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारी डेरिवेशन पूरी हो चुकी है, हम अपने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज हमने अपने चौथे क्वेश्चन का जो पहला अनुप्रयोग है वो हम पूरा कर चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसे और अच्छे से समझाऊंगा, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए रहिए और अपनी फिजिक्स क्लियर कीजिए।